नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube डिजिटल चैनल पे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग रविवार को समाप्त हो गई है और एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। लगभग सारे एग्जिट पोल NDA की बहुमत दिखा रहे हैं। बिहार में भी NDA सबसे ज़्यादा बहुमत देखा जा रहा है और ऐसे में लालू यादव के छोटे बेटे और RJD के नेता तेजस्वी यादव आरोप लगाते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी को कुछ विशेष संस्थानों और संसाधनों की मदद से बड़ी साजिश रची जा रही है। दरअसल तेजस्वी ने ये आरोप अपने ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट के जरिए लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एजेंट पहले बाजार में अपनी मजबूरियां एजेंट पोल के नाम से बेच रहे हैं। संस्थानों और संसाधनों की मदद से मनोविज्ञान से खेलना इनका पुराना हथियार है, इससे खारिज करें। हम जीत रहे हैं, हमें पूरी तरीके से पता है कि हम जीत रहे हैं। गंदे खेल के महिला लोगों को चाल कामयाब ना हो पाएगा। आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान के साथ चुनाव समाप्त हो गया और अब देश में 13 मई को आने वाला परिणाम का इंतज़ार है। इसके साथ ही रविवार को एग्जिट पोल के सामने आना शुरू हो गए हैं और एग्जिट पोल NDA की भारी बहुमत से जीतते हुए दिखा रहे हैं। तो फिलहाल खबर इतनी ही, हम फिर मिलेंगे आपको कुछ नई खबरों के साथ। तो देखते रहिए न्यूज़ बिहार। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि 23 मई को जो होने वाला है ना, वो भारत लाइव आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी ज़रूर बजा ले, जो अपडेट्स हम आपके लिए लेके आए उससे आप पीछे ना रह जाएं। देखते रहें न्यूज़ बिहार तरन्नुम के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।